नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़े बुलेरो चोरी हो गई थी, जिसे सिविल लाइन और समान थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पेंटर के यहां से बरामद कर लिया है। बताया गया है कि शातिर चोर बुलेरो का कलर चेंज कराने के लिए पेंटर की दुकान में खड़े करके गए थे। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है, जबकि शातिर चोरों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर के निर्देशन में थाना प्रभारी समान निरीक्षक सुनील कुमार गुप्ता एवं निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा और उनकी टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर चोरी गई बुलेरो वाहन को बरामद कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी संतोष कुमार मिश्रा निवासी ग्राम बजरा टोला ढेराहा थाना सुहागी वर्तमान में रीवा में किराए के मकान अरुण नगर थाना समान में रहते हैं, जिनके घर के बाहर रोड के किनारे खड़ी बुलेरो क्रमांक MP17CA7415 चोरी हो गई थी। पुलिस FIR दर्ज कर विवेचना कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक बुलेरो वाहन विंद विहार कॉलोनी के पास पेंट की गई है, जो खड़ी है। सूचना मिलने पर थाना समान एवं सिविल लाइन पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर बुलेरो वाहन को विंद विहार कॉलोनी के पास से लावारिस हालत में बरामद किया है। बताया जाता है कि उक्त चोरी हुई बुलेरो ब्लैक कलर की थी, जिसे आरोपियों ने सफेद कलर करा दिया है। फिलहाल पुलिस पेंटर से जानकारी लेकर गाड़ी खड़ा करने वाले की तलाश की जा रही है। लगभग 1.5 महीना पूर्व थाना समान से अरुण नगर क्षेत्र से संतोष मिश्रा जी की काले रंग की बुलेरो गाड़ी चोरी हुई थी, जो दस्तयाब हुई है उपतादा हालत में, और उसका कलर चेंज कर दिया गया है, वाइट कर दिया गया है। इंजन नंबर 46 नंबर से उसकी सही जानकारी प्राप्त हुई है। कहाँ से बरामद हुई सर? ये यहीं सिविल लाइन PI और थाना समान की पुलिस से मदद से जानकारी लगने पर इसका पीछा किया, लेकिन आरोपी भाग गए हैं और उनकी तलाश पतासाजी की जा रही है। वाहन का रंग कलर भी बदल दिया गया सर? हाँ, वाहन का कलर ब्लैक था, जिसे वाइट कर दिया गया है। ये कहाँ से किया गया है, इसकी जानकारी उठाकर आरोपियों की पतासाजी जल्द ही की जाएगी।